तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और चुनावी माहौल है और चुनाव की बात ना हो ऐसा कैसा हो सकता है ना। तो आज हम यमुनोत्री विधानसभा के गांव-गांव में भ्रमण कर रहे हैं और यहां की जनता का राय ले रहे हैं कि क्या उनके दिमाग में जो चुनाव होने वाले हैं किन्हें वो अपना प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। तो हमने कई लोगों से बात की है, तो आइए देखते हैं क्या कुछ जनता के दिमाग में चल रहा है। तो आइए बिना देरी के हम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम हम पालर गांव में हैं और हम यहां पर जनता का मूड जानेंगे कि क्या है उनके दिमाग में, यमुनोत्री विधानसभा में वो अपना मत किसे देने जा रहे हैं। तो आइए हम जनता से बात करते हैं पालर गांव में। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? विजय। विजय, तो आपका मत इस बार किसका है? भाई हमारा मत इस बार संजय डोभाल जी है। संजय डोभाल जी जी, क्या सोच के आपने संजय डोभाल जी? संजय डोभाल ये सोच क्या हम, ये हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छा है, ठीक है, ये हम चाहते हैं ये विकास करने वाला भी है। अच्छा, अब जो वर्तमान विधायक हैं आप उनके काम से कितना सहमत हैं? भाई केदार सिंह राव ने तो आज तक शक्ल नहीं दिखा इधर। अच्छा, तो उसका मतलब निकल गया। तो आज क्या 10 साल हो गए, 10 साल में 2 बार क्यों लाए? अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी से अभी जैसे दीपक बिजलवाण को टिकट मिला है, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हो? भाई हम तो कांग्रेस पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने संजू भाई से साथ धोखा किया, तो हम अपने संजू भाई को छोड़ नहीं सकते। आपका कहना है कि संजय डोभाल जी ने लगातार 15 साल से काम किया है, जनता के बीच में रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है जी। तो इस बार आप निर्दलीय देख रहे हैं पूरा? हम निर्दलीय संजू भाई को देख रहे हैं जी। और आप बताइए आप किसको देख रहे हैं? हमें भी डोभाल जी को चाहते हैं, इस बार बराबर चाहते हैं उसको। 2017 से हम के बराबर से हैं और 2017 से डोभाल जी तैयारी में है, पर लेकिन बेचारे निर्दलीय से हैं, हम उसके साथ बराबर हैं। अच्छा, हाँ। और जो वर्तमान विधायक है इनके काम से आप कितना काम से खुश हैं? हमें यहाँ उन्होंने अपनी शक्ल दिखाने का गाँव में, हम चाहते हैं इस बार डोभाल जी को। डोभाल जी को, संजय डोभाल जी के साथ आप पूरा सहयोग? हाँ जी, हाँ जी, सही है। और जैसे कांग्रेस पार्टी ने दीपक बिजलवाण को टिकट दिया है, उनके बारे में आप क्या? उनके बारे में वो चाहिए, डोभाल जी के साथ बराबर हैं, डोभाल जी चाहिए हमें। अच्छा, संजय डोभाल जी, ठीक है। आप बताइए। हाँ जी, आप किसके पक्ष में इस बार वोट डालने वाले हैं? जी हम संजय डोभाल जी के पक्ष में वोट डालने हैं, और प्रत्याशी अच्छा है हमारा, ईमानदार जुझारू नेता है, इसी को हम वोट डालना चाहते हैं। आपने पूरा मन बना लिया कि संजय डोभाल जी को ही? जी जी जी, ठीक है। और भी बात करते हैं हम युवा से, आइए आप बताइए किसको आप इस बार अपना अरे भाई करेंगे? हम संजय डोभाल वाले भाई, इस बार संजय डोभाल जी वाले। क्या सोच के आपने संजय डोभाल जी को इस बार सोचा कि विधायक बनाना है? वो करने वाले बंदे भी हैं और इसे हमारे क्षेत्र के हैं, तो मतलब आपने पूरा सोच रखा है कि संजय डोभाल जी को इस बार मत देना है? जी, संजय डोभाल को देना है। ठीक है, ओके जी जी जी, बस बस बस। हम अपने संजय डोभाल बाबा ज्यादा ना इतने बोलो, हमारे मैटी भी और आप मन की भी, धन्यवाद। बताइए दे संजय डोभाल जी बेचार जी फोंडा का सपोर्ट मत मारो जी, हम तो बड़कोट आड़ी इलाका जी जी। हां गोपाल जी को है आपका वोट? हां, अभी हम यमुनोत्री विधानसभा के छतरी गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पे छतरी गांव के कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम बात करेंगे डोभाल जी को लेके, कि राष्ट्रीय पार्टियों से जिस तरह धोखा मिला है माननीय डोभाल जी को, कितना आक्रोश है लोगों में राष्ट्रीय पार्टी को लेके, और कितनी सहमति कितनी सद्भावना जुड़ी है माननीय डोभाल जी के साथ, कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे। डोभाल जी को मतलब इस प्रकार जिताओ, एक ना बालक हमारा ठुकराते हुए और बार बार उसको ठुकरा रहे, क्यों उसको टिकट क्यों नहीं मिला, इसलिए निर्दलीय से उसको पराजित करो और पार करो उसको। अब यमुनोत्री विधानसभा के डीपीसी में माननीय आनंद राणा जी हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और कांग्रेस में भी रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि माननीय डोभाल जी लेकर कितनी सहमति जुड़ी है डोभाल जी के साथ। मैं इस समय अपने जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड में हूँ, घूम रहा हूँ,
तो जनमानस की सब ये पुकार है इस समय कि राष्ट्रीय दलों से हम लोग सब ये परेशान हो गए हैं, विकास उन्होंने कुछ किया नहीं है। मैंने भी अपनी जनता से पूछ करके समय निर्दलीय प्रत्याशी भाई संजय डोभाल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरी समस्त जनता जनमानस ये बोल रहे हैं कि समय हमने उत्तराखंड की विधानसभा में यमुनोत्री का प्रतिनिधित्व तो भाई संजय डोभाल करेगा, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं संजय डोभाल को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि संजय डोभाल अवश्य ही यमुनोत्री विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। थोड़ा सा और मैं तो ये कहूँगा कि संजू भाई बहुत वोटों से विजय होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतना धोखा दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसे पार्टियों को तो जूतों की माला पहनानी चाहिए, जैसे हरीश रावत जैसे दलाल जिन्होंने रुपए खाए और संजू भाई का टिकट काटा। हमें धिक्कार है अगर हम किसी बाहरी प्रत्याशी को जीतने देंगे। संजू भाई जिंदाबाद। संजू भाई सबसे बड़ा टिकट कटना इन राष्ट्रीय पार्टियों का, ये ऊपर से जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता बनते, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, बीजेपी का कांग्रेस में, कांग्रेस का बीजेपी में, आज बीजेपी कल कांग्रेस अभी, इसलिए सबसे बड़ा टिकट जनता के पास है। बड़ा टिकट आप लोग देंगे इस बार इन राष्ट्रीय दलों को हराना है, संजू भाई को जिताना है भारी बहुमत से, ताकि इनको सीख मिले और यमुनोत्री से इनको सीख मिले। आने वाले समय में हमसे पूछेंगे कि राष्ट्रीय दलों का टिकट हम किस व्यक्ति को देंगे, किसकी पहुंचे जनता तक, निचले स्तर पर। हम लोग यही हमारी विजय होगी। धन्यवाद।